आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जहां एक ओर कोरोना को लेकर पूरे देश में सरकार के द्वारा कोरोना जैसे घातक बीमारी से बचाव और विशेष तौर पर लोगों को प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, सरकार ने गाइडलाइन जारी भी कर दी, लेकिन श्रद्धालु सारे नियमों को ताक पर रखकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। मामला जिला मुख्यालय से सटे करम टोली स्थित प्राचीन बुढ़वा महादेव मंदिर का है, जहां सावन मास में चल रहे बाबा भोलेनाथ का दर्शन और जलाभिषेक को लेकर श्रद्धालुओं की टोली गुमला पहुंचा है। बिना फेस मास्क और सोशल डिस्टेंस जैसे नियमों को ताक पर रखकर दूर दराज से आए श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं। बता दें कि पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं इसकी रोकथाम के लिए सरकार और जिला प्रशासन लगातार महामारी से बचाव और नियम की जानकारी लोगों के बीच दी जा रही है। लेकिन इस तस्वीर को देख सकते हैं जिसमें साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कोई बड़ा खतरा की संकेत दस्तक दे रही है। यदि इस भीड़ में कोई संक्रमित लोग भीड़ में शामिल हो जाए तो बड़ी घटना घट सकती है। गुमला से अजित सोनी की रिपोर्ट। हुआ था कि जब मैं टहल रही थी यहाँ पे तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ था कि यहाँ का जो टेम्परेचर है बाकी जगह के कंपैरिजन थोड़ा सा गर्म है, बट मैंने इस चीज़ को इस तरीके से नहीं सोचा था। बाद में फिर मम्मी ने देखा, उसके बाद फिर ज़्यादा अनुभव हुआ इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि मौसम अभी 2-3 दिन से ज़्यादा ठंडा था, इसके पहले धूप भी थी। बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं इसके, अगर देखा जाए तो हो सकता है कोई फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का भी हो सकता है, उसके कारण भी होता है, कई बार होता है कि हीटिंग इफेक्ट्स आते हैं। दूसरी चीज़ हो सकती है कि वायरिंग का भी कुछ हो सकता है, तो ऐसे कह पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि कुछ घर को बने हुए भी ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है, भरावट भी हुई है, तो हम इस चीज़ का अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। क्या नाम है? सुप्रिया। 3 स्क्वायर फीट में जो है ना, ये हमेशा गर्म रह रहा है 24 आवर, और इसको लेकर के हम लोग को निकासी जो है गलियारा यही है, इसके चलते हम लोग काफ़ी सशंकित भी हैं और भयभीत भी हैं कि अनहोनी घटना ना कुछ घट जाए। इसको लेकर के हमने आज SDO ऑफिस में जा करके आवेदन भी दिया है लिखित रूप में, और परसों दिन जो है कि CO साहब गुमला आए थे, निरीक्षण करके गए तो बोले कि हमारे अंदर की बात नहीं है, ये विभाग वाला करेगा, जो कि रांची में है उसको मैं सूचना दूंगा। अब पता नहीं वो सूचना दे सके कि नहीं। आज वार्ड मेंबर भी आकर के निरीक्षण करके गए तो वो भी बोले कि ऊपर में लिखित सूचना दे दीजिए, उसके आधार पर हम लोग लिखित सूचना दे दिए। क्या नाम आपका? मेरा 2-3 दिन पहले से हम लोग अनुभव कर रहे हैं। सुबह सुबह का समय था कि पत्नी खाली पैर टहल रही थी, तो एहसास हुआ कि यहाँ का गर्म जो ज़मीन है बाकी जगह की तुलना में अधिक गर्म है, और घर में जाकर इसकी सूचना दी तो हमको लगा कि ऐसी हल्का फुल्का होगा, लेकिन बाहर निकल के जब देखा गया तो वास्तव में वहाँ बहुत अधिक गर्म है, और लगभग इसको 10 बार से ऊपर हम लोग बार बार पानी जाकर ठंडा किए, लेकिन 5 मिनट के अंदर फिर से एक गर्म हो जा रहा है, और यह प्रक्रिया 3 दिनों से कंटिन्यू इसको अनुभव कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। परसों दिन यहाँ लगभग 1.5 घंटे तक कंटिन्यू इसमें हम लोगों ने पानी डाला पाइप लगा करके, लेकिन उसके बावजूद भी ये ठंडा नहीं हो पाया, तो ये स्थिति देख करके हम लोग तो थोड़ा चिंतित भी हैं, पता नहीं अंदर में क्या है। और जानकारी मैं बता दूं कि यहाँ पर घर बनते समय में लगभग 4 फीट नीचे बालू का भरावट है, और उसके नीचे आप देखेंगे बगल में कुआँ है, तो कुआँ का वाटर लेवल भी है वह लगभग 5 फीट के ऊपर ही है, तो स्वाभाविक से यहाँ भी पानी नीचे होगा, तो इसके बाद भी ऐसी घटना घट रही है, इसकी सूचना आज उपायुक्त महोदय को दी गई है यही कार्रवाई के लिए, ताकि वो संबंधित अधिकारी को इसी सूचना देकर यहाँ बुलवाया जाए और जांच कर